ये क्या हो गया? 2 घंटे पहले आम आदमी पार्टी के समर्थन में पोस्ट डालने वाले नेता ने अचानक दिया इस्तीफा। खबर बताते हैं आपको, लाइक करें और शेयर भी कर दीजिएगा। आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है। पार्टी छोड़ते वक्त क्या बोले राजकुमार आनंद, वो भी आपको बताएंगे। फिलहाल एक बड़ा मामला निकल कर आया है दिल्ली से। SC ST वेलफेयर मिनिस्टर रहे राजकुमार आनंद ने बुधवार को अपने पद से इस्तीफा तो दिया ही, साथ में उन्होंने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। राजकुमार आनंद साल 2020 में पहली बार पटेल नगर सीट से विधायक भी बने। इसके अलावा राजकुमार आनंद के आवास पर बीते साल नवंबर में ED ने छापा मारा था। बड़ी बात है कि इस्तीफा देते हुए राजकुमार आनंद ने भ्रष्टाचार को लेकर पार्टी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी में वो शामिल हुए थे ताकि भ्रष्टाचार रोका जा सके, लेकिन फिलहाल पार्टी ही भ्रष्टाचार के अंदर घुस गई है। फिलहाल वो इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन एक खास बात ये भी है कि महज 2 घंटे पहले उन्होंने मोदी सरकार को ट्विटर पर यानी एक्स पर पोस्ट भी किए थे मोदी सरकार को घेरते हुए। इस्तीफे के बाद आनंद कुमार का यही कहना है कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन अब इस बात से निराश हैं कि पार्टी खुद ही भ्रष्टाचार के जाल में फंस गई है। अरविंद केजरीवाल को लेकर भी उन्होंने हमला बोला, कहा कि अरविंद केजरीवाल भी बदल गए हैं और फिलहाल वो बड़े अफसोस के साथ पार्टी से इस्तीफा दे रही हैं।